एक ऐसा परिवार जो साथ डांस करता है, साथ खाता है, साथ बातें करता है और लेता है लखनऊ की मेहमान नवाजी का आनंद। और ये है सीरियल धर्म योद्धा गरुड़ का परिवार, जहां पर उनकी मम्मी है, मौसी है और है गरुड़ के भाई। सबके सीरियल धर्म योद्धा गरुड़ की टीम पहुंच गई है नवाबों की नगरी लखनऊ में करने सास बहू और बेटिया संग खास बातचीत। वही यहां आकर न सिर्फ उन्होंने लखनऊ के गर्म मौसम का मजा उठाया, बल्कि लखनऊ वासियों से बातें भी की, ढेर सारी शॉपिंग की और बनाए ढेर सारे रील्स। वही आजकल रील्स का जमाना है, तो धर्म योद्धा गरुड़ का परिवार क्यों पीछे रहे, तो यहां पर हुई उनकी ढेर सारी मस्ती। सास बहू और बेटियां भी गरुड़ के परिवार संग बन गया है खास मेहमान, या यूं कहें सफर में उनका हम सफर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी लखनऊ यात्रा। हेलो एवरीवन, सो आज गरुड़ और उसकी टीम, मेरी विमाता, मेरी माँ, मेरे भाई, हम सब आज आए हैं मुंबई से लखनऊ हमारे शो को प्रमोट करने के लिए और लखनऊ घूमने के लिए। आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, बिकॉज आज मैं अपने विंग्स के बगैर हूँ और मैं अपनी ज्वेलरी के बगैर हूँ। मैं भी अपने मुकुट के बगैर हूँ, बहुत चुभता है वो। मैं अमीर हूँ, आज मैंने इतने अच्छे कपड़े पहने, मैं दासी नहीं हूँ। आज दासी माँ आज अमीर लग रही है, आज वो रानी माँ लग रही है। यस, तो आई होप कि आज हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, एक डे ऑफ टाइप का हमारे लिए है। सो विल हैव फन, बी विद अस। मुस्कुराइए आप, लखनऊ में है ना, मुस्कुराइए आप लखनऊ में। आदाब, आदाब यही कहते हैं ना। और ढेर सारा खाना खाइए। जितना टाइम मिलेगा उतना टाइम घुमा दूंगी, जो खिलाने पिलाने वाला है वो खिला दूंगी। फैजल को जो बहुत कुछ पसंद है ना। पड़ाव नंबर एक, लखनऊ का सैर सपाटा। भाई गरुड़ यानी फैजल खान जो निभाते हैं गरुड़ का किरदार, और गरुड़ के परिवार में है उनकी मम्मी नागरानी कदरू यानी कि पारुल चौहान, नाग तक्षक यानी कि अंगद हसीजा, और गरुड़ की असली माँ विंता यानी कि तोरल राजपुत्रा। ये सभी रेडी शेडी होकर तैयार हैं घूमने के लिए, और आज तोरल और पारुल ने पहना है इंडियन अटायर, और इस साड़ी में ये दोनों लग रही हैं गजब की खूबसूरत। तो चलिए लखनऊ एक्सप्लोर करने की शुरुआत करते हैं। वी आर इन लखनऊ, और लखनऊ में बहुत बार आ चुका हूँ, यहाँ पर बहुत काम के सिलसिले में आया हूँ, आज भी काम के सिलसिले में। यहाँ के खाने बड़े मशहूर है, यहाँ के पहनावे जो है वो बहुत मशहूर है, और जगहें बहुत खूबसूरत है, जिनमें से एक जगह पर हम जा रहे हैं हाथी पार्क, और बहुत ही खूबसूरत प्लेस है मैंने सुना है, और वहाँ पर मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स सुनाना संगे मरमर शूट हुआ है। सो आई एम तो रियली एक्साइटेड, बिकॉज आज विदाउट विंग्स हम अच्छे से लखनऊ घूम रहे। लेकिन गरुड़ को भी मिस कर रहा हूँ मैं आज, क्योंकि दो महीने से वी आर शूटिंग, और आज अचानक से हम बाहर आ गए। सो मज़ा भी आ रहा है, बट आई एम मिसिंग गरुड़। सो आ जाओ, आज गरुड़ जाएंगे, गरुड़ और टीम की जाएगी, गरुड़ और टीम जाएगी हाथी पार्क में। सुबह की शुरुआत हुई शॉपिंग से। सबसे पहले पहुंचे लखनऊ के फेमस चिकनकारी कपड़ों की खरीदारी करने के लिए। भाई अब लेडीज देसी अंदाज में है, तो लड़कों को भी कुछ इंडियन पहनना चाहिए ना, और इसीलिए पारुल और तोरल ने डिसाइड किया
कि वो अंगद और फैजल के लिए खरीदेंगी चिकनकारी कुर्ते और सीधा पहुंच गई इस शॉप में करने कपड़ों की शॉपिंग। तो आज हम लखनऊ आए हैं और लखनऊ आके शॉपिंग ना करें ये तो हो नहीं सकता, तो इसलिए हम आज शॉपिंग करने आए हैं, गरुड़ को कपड़े दिलवाने आए हैं। गरुड़ को इनके पुत्र को, और एक और चीज नोट किया आपने हमारी दासी माँ, देखो आज कितनी रईस फॉर अ चेंज, एकदम क्लासी माँ, और दासी माँ क्लासी माँ हो गई सडनली। और हमारी हमारी जो सगी माँ है वो देख लीजिए। मेरी दीदी भी तो इतनी अच्छी लग रही है। हाँ नहीं इसकी तारीफ की जरूरत ही नहीं है मुझे। Change, she is wearing a different color today. Actually, हाँ, वो ब्लैक पहन ब्लैक वो डार्क कलर और वो नौकीला मुकुट नहीं है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है अंकल। तुम क्या खरीदने आए हो यहाँ पे लखनऊ में? लखनऊ में क्या खरीदने आए हो? तुम क्या है करने आए हो यहाँ पे? हम कुर्ता खरीदने आए गरुड़ के लिए। गरुड़ के लिए कुर्ता? असली बताओ क्यों बोल क्यों बोल। अभी जो हमारी माँ है, मतलब यार ऐसे लोग है ना, डर लग रहा है सच में। तो ये दोनों इंडियन में है और हम दोनों ऐसे लॉन्डो की तरह आ गए दिल्ली से। क्या तो गरुड़ प्रमोट करना, कम से कम इंडियन पहने लड़के यहाँ पे आके। चलो शॉपिंग करो, चलो हमारा खर्चा बढ़ गया, अब हमें शॉपिंग करनी पड़ेगी इनके लिए। हमारे लिए कुर्ता चूज़ किया गया है, ये मरून कलर में लिया, आई थिंक ये सूट करेगा, तो मैं ट्रायल करके आता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कैसा लगा। सोरेन एंड पाउल चाहते हैं कि मैं ये ट्राई करूँ, बिकॉज ये कलर मुझ पर इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरे पुत्र ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो कौन सा वाला कुर्ता लेगा। पहले आप डिसाइड कीजिए, आपका ये पुत्र है या पुत्री है? पुत्र सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है। चलो ठीक है ना, एक दिन कर सकते हो, तुम टाइम ले सकते हो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो फाइनली द पीच वन। पीच वन मुझे हाँ। मुझे ये अच्छा लगा और ये सूट भी कर रहा है मुझ पे, तो थैंक यू माँ मुझे ये कपड़ा दिलाने के लिए। ओके, नहीं पता पैसा कौन देने। अपनी विमाता से थैंक यू बोल देना, वही देंगी, मेरे पास नहीं है। दीदी पैसे आप देंगी ना? मेरे पास तो है नहीं। पीच पैसे देंगी ना? पीच तो कर रहे, पैसा कर दिया, पेमेंट हो गया। देखा महारानी है ये, पेमेंट हो चुका ऑलरेडी। नहीं बताओ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, ही इज लुकिंग हॉट। अच्छा लग रहा है, ये सिलेक्ट हो गया क्योंकि तक्षक है और ब्लैक पहनेगा तक्षक, राइट।